नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। आज उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की किसान यात्रा को लेकर पुलिस चौकन्ना है। झांसी में पूर्व एमएलसी तिलक चंद अहिरवार को पुलिस ने फिलहाल घर में नजरबंद कर लिया है। आप देख सकते हैं कि सड़क पर समाजवादी की कार्यकर्ता जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं। हिरासत में लिए गए तिलक चंद अहिरवार ने क्या कहा, आप भी सुने। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी आदरणीय अखिलेश यादव जी ने आज से 7 दिसंबर से किसान यात्रा का आह्वान किया और ये किसान यात्रा लगातार जब तक किसानों की मांग को भारत सरकार और देश की सरकार जब तक उनकी मांग को नहीं मानेगी, उनकी मांग का मांग के लिए अनुचित उचित कानून नहीं बनाएगी, तब तक किसान यात्रा लगातार चलती रहेगी। इसका आह्वान राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज से कर दिया है। उसी के तहत आज समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में इलाइट से लेकर डीएम कार्यालय तक शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग प्रदर्शन करते हुए डीएम साहब को ज्ञापन देकर जो किसान विरोधी कानून है उसको वापस लेने की मांग करते हुए किसान के समर्थन में समाजवादी पार्टी आज प्रदर्शन करने जा रही थी। उसके लिए हमने सब साथियों को बुलाकर हम इलाइट की ओर कूच कर रहे थे। ऐसे में पुलिस प्रशासन की तरफ से हमें रोक दिया गया और नज़रबंद किया गया। तो हमने उनसे कहा कि संविधान की अनुच्छेद 19(1)(b) ये सीधे सीधे अधिकार देती भारत की भारत के नागरिक को, भारत की जनता को, कि आप बिना हथियारों के अपनी बात को कहने के लिए एक जगह इकट्ठे होकर अपनी बात कह सकते हैं, सरकार के सामने अपना पक्ष रख सकते हैं। तो ये किसान विरोधी सरकार जो दमनकारी नीति अपनाकर किसानों की आवाज़ को दबाना चाहती है, दमन करना चाहती है, जिस तरह से दिल्ली के अंदर किसानों के साथ, दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के साथ जिस तरह से दमनकारी नीति अपनाकर उन पर लाठी चार्ज किया गया और आंसू गैस के गोले छोड़े गए, तो इसी तरह से पूरे देश में आज समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पूरे देश में और प्रदेश में किसान यात्रा निकालकर किसानों की बात करना चाहती है। इसके लिए आज हम वहां जा रहे थे और हमारी मांग क्या है, किसानों की मांग क्या है, किसानों की मांग जायज़ मांग है, सरकार को मान लेना चाहिए। किसान सिर्फ इतना कह रहा है कि आप MSP की बात कर रहे हैं लेकिन आपने बिल में MSP की कोई चर्चा नहीं की है। मौखिक रूप से आप कह रहे हैं कि MSP हमने ख़त्म नहीं किया। जब ख़त्म नहीं किया तो आप MSP की चर्चा करते बिल में या उसका कानून बना देते। सब किसान चाहता है कि कानून बन जाए और ये बिल वापस हो, क्योंकि इसमें कॉन्ट्रैक्ट खेती की चर्चा हो रही है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट खेती जो है इससे किसान बर्बाद हो जाएगा। तो आपको रोक लिया गया? हाँ, आज रोक लिया गया मुझे और नज़रबंद कर दिया कि आप जो है यहीं पर रहेंगे, आप उधर धरना प्रदर्शन नहीं जाएंगे। तो हमारे हक और अधिकार का हनन हो रहा है, इसके खिलाफ हम सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे हैं और सरकार के खिलाफ हम जो है खड़े हैं और समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में किसानों के समर्थन में खड़े होकर सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर आंदोलन चलाकर किसानों का बिल जब तक वापस नहीं होगा हम इस आंदोलन को चलाते रहेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश पर पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी किसानों के साथ खड़ी है।